हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एश वर्सेस इविल डेड के सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट तो बनता है, क्योंकि इसके बिना हम वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन एपिसोड 8 ने हमें काफी कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि हमने उस एपिसोड में दो एश देखे और उस एपिसोड को वहीं पर खत्म कर दिया गया बिना ये बताए कि इन दोनों में से असली एश है कौन। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई इस एपिसोड में कि अमेंडा मर गई। खैर, बुरा हुआ। लेकिन अब जो भी हो, एपिसोड आगे कंटिन्यू करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें आगे और कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलने वाले हैं इस एपिसोड नंबर 9 में। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9 को। वेल, तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाई जाती है अमेंडा की डेड बॉडी, जहां पर पाब्लो और केली खड़े हुए हैं और वो लोग कंफ्यूज्ड है कि असल में इस घर के अंदर हुआ क्या। लेकिन फिर उन्हें कुछ साउंड सुनाई देते हैं और इसी साउंड के बीच कैबिन का दरवाजा बंद होता है और हमें नजर आते हैं वहां पर दोनों एश जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जिसके बाद उन दोनों को देखते हुए उनकी फाइट छुड़ाने के लिए पाब्लो और केली बुलेट्स फायर करते हैं हवा में। इसके बाद ये दोनों अलग होकर केली और पाब्लो को कंफ्यूज करने लगते हैं कि इनमें से असली एश है कौन, क्योंकि एक कह रहा है एश मैं हूं तो दूसरा वहीं पर कहता है कि मैं भी ऐशी हूँ, तुम इसे गोली मार दो। और अब यहाँ पर दोनों एश केली और पाब्लो को कंफ्यूज कर रहे हैं उनके कुछ सीक्रेट्स बताकर, जो सीक्रेट्स केली ने और पाब्लो ने सिर्फ और सिर्फ एश को ही बताए थे। यानी अब यहाँ पर कोई हल नहीं निकलने वाला। इस सिचुएशन को देखते हुए उनमें से एक एश ये कहता है कि काम करो, तुम हम दोनों को मार दो, जिसके बाद ये प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। और फिर दूसरा एश कहता है कि ऐसा मत करना। लेकिन ऐसा बोलते ही एश और पाब्लो मिलकर दूसरे एश को गोली मार देते हैं और शुरू होता है ये एपिसोड, जहाँ पर एश पाब्लो और केली से ये पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही असली ऐश हूँ। जिसके बाद वो दोनों जवाब देते हैं कि असली ऐश सिर्फ और सिर्फ खुद की परवाह करता है और अगर मुसीबत आई तो वो मर भी सकता है, इसी वजह से हमें पता चल गया कि तुम ही असली ऐश हो। और फिर वो लोग पूछते हैं कि ये सिचुएशन बनी कैसे, तुम्हारा क्लोन आया कहाँ से। और फिर ऐश जवाब देता है कि उसके कटे हुए उस हाथ से, जिसने पूरा के पूरा क्लोन तैयार कर दिया मेरा और यहाँ पर आकर अमेंडा को मार दिया। खैर, उसके बाद ऐश ये कहता है कि अब उस बुक को लेते हैं और इस घर के बेसमेंट के अंदर जाकर गाड़ देते हैं ताकि कोई भी उस बुक तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उससे पहले हमें इन डेड बॉडीज को यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनमें भी जान आ जाएगी और ये लोग हमें उठकर मारने लगेंगे। यानी अब ऐश उन डेड बॉडीज को काटने वाला है। लेकिन वहाँ पर हमें सुनाई देती है कुछ दूसरी आवाजें और ये आवाजें उन्हीं कैंपस की थी जो जंगल में भटक गए हैं। और फिर पाब्लो और केली और ऐश बाहर आकर उन तीनों से ये पूछते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्हें अब तक यहाँ से चले जाना चाहिए था। जिसके बाद वो तीनों जवाब देते हैं कि वो रास्ता ढूंढते ढूंढते पूरी तरीके से घूम गए हैं और अब उन्हें रात बिताने के लिए जगह चाहिए। तो वो लोग चाहते हैं कि ऐश उन लोगों को परमिशन दे इस कैबिन में रुकने की। लेकिन ऐश इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इन तीनों की भी जान को खतरा है। इसके लिए ऐश कहता है कि अंदर डेड बॉडीज पड़ी है। बीच में आते हुए ये कहती है कि जानवरों की डेड बॉडी अंदर पड़ी हुई है, जिसे उन लोगों को वहाँ से हटाना है क्योंकि जगह काफी कम है, जिस वजह से जमीन पर खून ही खून पड़ा हुआ है, इसलिए वो लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। जिसके बाद वो तीनों कैंपर्स ये कहते हैं कि वो लोग कैबिन के बाहर ही अपना कैंप लगा लेंगे और उसके बाद सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। और फिर ऐश कुछ डिस्कशंस करता है, जिसमें ऐश ये बताता है कि अगर उन लोगों को यहाँ पर रुकने दिया जाए तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। जिसके बाद पाब्लो ये कहता है कि अगर उन्हें इस जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए तो वो इवेल उन्हें वैसे भी नहीं छोड़ने वाला, इसलिए अब ऐश कोई डिसीजन नहीं लेने वाला और वो फैसला पाब्लो और केली पर छोड़ देता है और वहाँ से अंदर चले जाता है, क्योंकि उसे डेड बॉडीज को ठिकाने लगाना है। और केली पाब्लो से ये कहती है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही दया आ रही है, खास करके उस लड़की पर जो तुम्हें लाइन दे रही है। जिसके बाद पाब्लो कहता है कि शायद ऐसा ही कुछ है। और फिर हमें पता चलता है कि पाब्लो और केली उन लोगों की मदद कर रहे हैं जंगल से बाहर निकलने में। और इस बीच पाब्लो को टाइम मिल जाता है उस लड़की से बात करने का, जिसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड कैसी है, जिसे तुम पटाने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद पाब्लो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई। और फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने। और फिर वहाँ पर कुछ आवाजें आती है, जिस आवाज को सुनने के बाद वो लड़की पाब्लो का हाथ पकड़ लेती है और केली उन दोनों को देख लेती है और देख कर आगे बढ़ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कैबिन का सीन, जहाँ पर ऐश खुद के क्लोन के टुकड़े टुकड़े कर रहा है और इस सिचुएशन में खून काफी सारा बह रहा है और वो खून उस इविल बुक की तरफ जाता है, जिससे उस बुक में जान आने लगती है। और फिर वो बुक ऐश का नाम पुकारती है और ऐश जैसे ही उस बुक को देखता है तो वो चौंक जाता है और वो बुक ऐश से ये कहती है कि वो अगर उसे गाड़ देगा तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि अगर वो दोनों साथ मिलकर रहे तो काफी अच्छा होगा और फ्यूचर ऐश का भी काफी सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ऐश कहता है कि वो ऐसे कोई भी मूड में नहीं है, क्योंकि उसने काफी सालों तक उस बुक को अपने साथ रखा था और अब ये मुसीबत फिर से आ गई है। जिसके बाद वो इविल बुक उससे कहती है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ तो तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो, इसी वजह से
ये सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। और फिर वो बुक कहती है कि मुझे सही ढंग से यूज करो, जिसके बाद ऐश कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यूज नहीं करने वाला, बल्कि तुम्हें इस घर के बेसमेंट की जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। जिसके बाद वो बुक कहती है, और इसके बाद तुम कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक आम इंसान रहोगे जो सुबह उठकर अपने काम पर जाएगा। और फिर ऐश कहता है कि इससे मेरी फैमिली तो आगे बढ़ेगी और मेरी लाइफ काफी अच्छी चलेगी। और फिर वो इविल बुक कहती है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं। लेकिन अब ऐश उसकी बात नहीं सुन रहा और उस बुक को उठाकर रेफ्रिजरेटर में डाल देता है और फिर से बढ़ता है अपने काम की तरफ, यानी उन बॉडीज के टुकड़े करने के लिए। और आगे बढ़ते वक्त ऐश अमेंडा से माफी मांगता है कि अब उसे उसकी डेड बॉडीज के टुकड़े करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो अमेंडा की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं है। ये देखकर ऐश काफी चौंक जाता है और अमेंडा की डेड बॉडी को ढूंढने लगता है। और फिर सीन हटता है और हमें दिखाया जाता है पाब्लो और केली जो उन तीनों कैंपर्स की मदद कर रहे हैं जंगल से बाहर निकलने में। जहाँ पर पाब्लो केली से ये पूछता है कि तुमने उस लड़की को मेरे बारे में ऐसा क्यों बताया कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जिसे मैं बस प्रपोज ही करने वाला हूँ। और फिर केली पाब्लो से ये कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया है क्योंकि वो लड़की मुझे कोई भी एंगल से सही नहीं लग रही और तुम्हें पता है ये लड़कियाँ कितनी पागल होती है। जिसके बाद पाब्लो कहता है कि वो तो मैं देख ही रहा हूँ। और फिर केली पाब्लो से सॉरी कहती है कि उसने जो कुछ भी किया लेकिन वो जो कुछ भी कर रही है उसके भले के लिए कर रही है क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जिस वजह से वो लव एंगल की सिचुएशन में पड़े। ऐसा बोलते हुए ही वहाँ पर उन्हें कुछ आवाजें आती है एक झाड़ की तरफ से, जिसके बाद केली और पाब्लो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई ईविल नहीं बल्कि एक रकून था जिसे उन लोगों ने काफी बेरहमी से मारा है। और फिर उन्हें फिर से आवाजें आती है और जैसे ही वो लोग उस आवाज की तरफ शूट करने जाते हैं तो उन कैंपर्स में से एक आगे आता है और पाब्लो और केली को रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग इस चक्कर में इनोसेंट जानवरों को मार रहे हैं जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और फिर उसका सपोर्ट करते हुए उसकी वाइफ भी उसके आगे आती है और कहती है कि उसका हस्बैंड एनिमल केयर्स में भी काम करता है तो तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। लेकिन ऐसा बोलते ही उस कैंपस की वाइफ को काफी बुरी तरीके से कोई मार देता है, यानी उसके पेट में हाथ घुसाकर। ये देखकर पाब्लो और केली अंधाधुंध फायरिंग करते हैं लेकिन एक भी गोली उस ईविल को नहीं पड़ती और असल में वो ईविल अमेंडा है जो कैबिन से भागकर उन लोगों को मारने यहाँ पर आई है। और अब गोलियां हो गई है खत्म, जिसके बाद सिचुएशन को संभालने के लिए वो कैंपस आगे बढ़ता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि अमेंडा उसे भी मार देती है अपने हाथ को उसके सर में घुसाकर। और उन दोनों डेड बॉडीज को वो ऊपर उठाती है और उन लोगों से कहती है कि ऐश अपना काम कभी भी सही ढंग से नहीं कर सकता। और फिर वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ऐश के चमचे हो और उसके बोले बिना तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। इतना कहते ही पाब्लो और केली को टाइम मिल जाता है गन रिलोड करने का और वो लोग फिर से फायरिंग शुरू करते हैं लेकिन इस बार अमेंडा उन दोनों डेड बॉडीज को पाब्लो और केली के ऊपर फेंक देती है और उस तीसरी कैंपस के पास भागती है और वो उसे देखकर वहां से भागना शुरू करती है। लेकिन अचानक से उसके सामने अमेंडा आकर उस पर स्क्रैचेस करना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि मरने से पहले मैं तुम्हें एक सच बता दूं कि कोई हेवन जैसी चीज नहीं होती। लेकिन तब तक वहां पर पाब्लो पहुंच जाता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और इसी बीच अमेंडा उस कैंपस को उठाकर काफी दूर फेंकती है जिस वजह से उसका एक पैर टूट जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर अमेंडा पाब्लो का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाकर मारने ही वाली होती है कि अचानक वुड में से कोई ऊपर से नीचे उतरकर अमेंडा को दूर फेंकता है और उसके पास जाता है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि असल में रूबी है जो सही वक्त पर वहां पर पहुंच गई। और अब वो अमेंडा से ये पूछ रही है कि मुझे सच बताओ कि क्या हुआ, जिसके बाद वो कहती है कि उसे ऐश ने मार दिया और ये हालत कर दी। और फिर जैसे ही रूबी उस डैगर को बाहर निकालती है तो वो इविल रूबी से ये कहता है कि हम दोनों मिलकर काफी सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। लेकिन रूबी ऐसे कोई भी मूड में नहीं है और वो जैसे ही अमेंडा को मारने वाली होती है तो वो कैंपस उठकर अपना पैर देखकर जोर से चिल्लाती है और इस बीच अमेंडा को चांस मिल जाता है और वो वहां से भाग जाती है। और तब तक वहां पर केली भी पहुंच जाती है और फिर रूबी उस कैंपर से ये कहती है कि तुम्हें ऐसे मौके में चिल्लाने की क्या जरूरत थी। और ये कहकर रूबी वहां से चली जाती है और केली पाब्लो से पूछती है कि असल में ये औरत है कौन। और फिर हम देख सकते हैं कि अमेंडा पेड़ों के ऊपर बैठी है और अब वो कहीं और जा रही है। और फिर हम देख सकते हैं अगले सीन में जहां पर पाब्लो उस कैंपर की मदद कर रहा है उसके पैर को बांधने में और इसी बीच हम देख सकते हैं कि रूबी उन दोनों डेड बॉडीज के पैर काट रही है ताकि जब वो लोग इविल बन जाए तो वो दोनों उनका पीछा ना कर पाए। और इस बीच केली रूबी से ये पूछती है कि तुम हो कौन और ऐसी सिचुएशन में तुम कहां से आ गई, जिसके बाद वो ये कहती है कि मैं वो हूं जो तुम लोगों की मदद करूंगी और बाकी और लोगों को इविल बनने से रोक सकती हूं। लेकिन फिर पाब्लो और केली ये कहते हैं कि ये काम असल में ऐश कर रहा है काफी अच्छे से। और फिर उस कैंपर्स को इम्प्रेस करने के लिए पाब्लो कहता है कि मैं भी एक हिसाब से उनकी मदद ही कर रहा हूं। और फिर रूबी ये कहती है कि क्या अब भी ऐश के पास वो इविल बुक है या नहीं, क्योंकि उसी बुक से हम इस इविल को रोक सकते हैं, जबकि अब तक ऐश को ये काम कर देना चाहिए था। लेकिन जहां भी ऐश जाता है वो अपने साथ मुसीबत ही लेकर आता है और पीछे से मुझे आकर काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है कि वो सभी चीजें क्लियर है या नहीं। और अब तुम दोनों मेरी मदद करोगे और मुझे बताओगे कि असल में ऐश है कहां पर, ताकि और भी
भी कुछ बुरा हो क्योंकि अमेंडा मर गई है, जो ऐश की नहीं मेरी भी दोस्त थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कैबिन का सीन जहाँ पर ऐश अब भी अमेंडा की डेड बॉडी को ढूंढ रहा है। और इसी बीच वो अपनी शॉट गन लेने के लिए बेसमेंट की तरफ जाता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता रहता है तो हमें अचानक से वहाँ पर रूबी और अमेंडा सभी लोग नजर आते हैं। जिसके बाद रूबी सीधे सीधे ऐश को ये कहती है कि वो इविल बुक कहाँ है जिसे तुमने मेरी फैमिली से छुराया था। और फिर ऐश ये कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और तुम अब इस झमेले में कहाँ से पड़ गई, और क्या तुम्हें भी अब यहाँ पर मरने का शौक है जो तुम यहाँ पर आ गई। जिसके बाद पाब्लो और केली ऐश को ये बताते हैं कि इसने हमारी मदद की जब हम काफी बुरी सिचुएशन में फंस गए थे, और वो प्रॉब्लम अमेंडा की थी। और फिर ऐश उससे ये कहता है कि ये बुक मेरे पास 13 साल से है, तो वो बुक मेरी हुई भले से ही मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पे क्यों नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ा काम करना है और वो काम दुनिया को बचाना है। जिसके बाद रूबी ऐश से ये कहती है कि मुझे पता है कि तुमने 13 सालों में क्या किया है और तुमने कैसे दुनिया को बचाया है, और हाँ मैं चेन शो को तो भूल ही गई जो तुम्हारे हाथ में लगा हुआ है तुम्हारी हाथ की जगह। जिसके बाद ऐश कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान का नाम बताओ जिसके पास हाथ की जगह चेन शो है, और वो इंसान सिर्फ मैं ही हूँ। और अब मेरा प्लान ये है कि मैं उस बुक को इस कैबिन के बेसमेंट के काफी अंदर गाड़ने वाला हूँ ताकि जब भी वो ईवेल आए तो मैं उसे काफी आराम से मार दूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा करने से सिचुएशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन रूबी ऐश से ये कहती है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल घटिया है और इससे कोई हल नहीं निकल कर आने वाला, इसलिए वो बुक मुझे दे दो ताकि मैं हमें इस सिचुएशन से निकाल लूँ। लेकिन इस बीच उन दोनों के बीच थोड़ी सी फाइट होती है, जिसके बाद केली वहाँ पर आकर उन दोनों को रोकती है, और फिर रूबी उन लोगों को ये बताती है कि बुक को गाड़ना कोई हल नहीं है, अगर हम उसे गाड़ देंगे तो कोई गधा आकर फिर से उस बुक को बाहर निकालेगा और ये सभी चीजें चलती रहेगी बस। अब इन सभी चीजों को खत्म करना है तो हमें उस बुक को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जिसके बाद ऐश कहता है कि मैंने ये कोशिश पहले ही करके देख ली है लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जिसके बाद रूबी कहती है कि पता है कि तुमने कैसी कोशिश की है इन पूरे 13 सालों में, लेकिन जब भी मैं कोई डेड बॉडीज को मारती हूँ तो उनके कोई भी पार्ट्स जिंदा नहीं होते क्योंकि मेरे पास ये डैगर है जिससे वो ईविल काफी आसानी से मर जाता है, इसलिए अब तुम मुझे उस बुक के बारे में बताओ ताकि मैं जाकर उस बुक को डिस्ट्रॉय कर सकूं। और फिर ऐश यहाँ पर पाब्लो और केली से बात करता है कि ये सही होगा कि हम रूबी के हाथ में उस बुक को दे दें, और क्या सच में वो इस बुक को इससे डिस्ट्रॉय कर पाएगी या नहीं। और फिर पाब्लो और केली ऐश को ये कहते हैं कि हमारे पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक वो बातें सही भी कर रही है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऐश ने उस बुक को निकाल लिया है और अब रूबी के सामने वो उस बुक को टेबल पर रखता है, जिसके बाद वो रूबी से पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना है। और फिर रूबी ऐश को वो डैगर देते हुए ये कहती है कि तुम्हें इस बुक के फेस को काट कर बाहर निकालना है, और ऐश ऐसा ही करता है, लेकिन वो बुक ऐश को मना करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी ऐश उस बुक की ना सुनते हुए उस बुक के फेस को काटना शुरू करता है और फिर उस बुक में से खून निकलने लगता है। और फाइनली ऐश उस बुक के फेस को काट कर फेंक देता है और फिर रूबी से पूछता है कि अब आगे करना क्या है। जिसके बाद रूबी ऐश से ये कहती है कि अब तुम इस बुक को मेरे हवाले ये कर कहो कि मैं इस बुक की ओनरशिप तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन ऐश को ये चीजें सही नहीं लगती इसलिए वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद रूबी उससे ये कहती है कि तुम सोच क्या रहे हो, ये बुक मुझे दो और किस्सा खत्म करो, क्योंकि तुमने इस चीज को पूरे 13 साल झेला है और अब वो टाइम आ गया है कि तुम इस बुक को मुझे देकर अपने इस बंधन से आजादी पाओ। और फिर पाब्लो और केली भी ऐश को यही सजेस्ट करते हैं कि वो इस बुक को रूबी को दे दे, और ऐश अब बिना सोचे समझे उस बुक को रूबी के हाथ में दे देता है। और फिर रूबी उस बुक को खोलकर कुछ पढ़ने लगती है जिससे काफी सारी चीजें कुछ अजीब होने लगती है, और ये चीजें केली को पसंद नहीं आ रही। लेकिन सिचुएशन और भी बुरी होती है क्योंकि उस इविल बुक का फेस अचानक से ऊपर उठने लगता है और पाब्लो के गले में जो उसके अंकल का लॉकेट है वो अचानक से हिलने लगता है, और जैसे ही पाब्लो उस लॉकेट को बाहर निकलता है तो वो लॉकेट पाब्लो को उस बुक के फेस की तरफ खींचने लगती है। और अब ऐश को ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और इस बुक का फेस सीधे जाकर पाब्लो के फेस पर चिपक जाता है, जिसके बाद केली उस इविल बुक के फेस को पाब्लो के चेहरे से निकालने की कोशिश करती है। और फिर ऐश उस बुक को छीनकर रूबी से ये कहता है कि तुम चीजें खराब कर रही हो और तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि असल में इन इविल्स को रोकना कैसे है, क्योंकि तुम्हें बुक सही से पढ़नी आती ही नहीं। लेकिन तब तक रूबी उस बुक को छीनती है और बड़ा सरप्राइज देती है ऐश को ये कहकर कि इस बुक को कैसे यूज करना है मुझे काफी अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैंने ही इस बुक को लिखा था। ये सुनकर ऐश भी अब काफी शौक में है और साथ ही साथ हम सभी भी। लेकिन अफसोस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब जो भी डिटेल है जैसे कि रूबी ने उस बुक को क्यों लिखा था और किस मकसद से लिखा था और पाब्लो का क्या होगा, ये सारी डिटेल हमें इसके फाइनल एपिसोड नंबर 10 में पता चलेगी। तो वेट कीजिए इसके फाइनल एपिसोड का, जिसमें हमें सभी राज पता चल जाएंगे इस बुक से और रूबी से रिलेटेड, असल में रूबी का मकसद है क्या। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय है एपिसोड नंबर 9 को लेकर उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको एपिसोड 9 कितना पसंद आया। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो
वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।